और जिनकी कमाई मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। नमस्कार प्यारे पेंशन धारकों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर केंद्र सरकार का बहुत ही बड़ा बयान, पेंशन मिलेगी आपको 7,500 से बढ़कर, यानी कि संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने इनकी, तथा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। अब आपकी जो वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन और महंगाई भत्ता जो 15,000 रुपए तक है, तो वो ईपीएस 95 पेंशन के तहत इनके कवर किए जाते हैं। आपको बता देते हैं, इन कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो कर्मचारी अभी वर्तमान में केवल 8.33% की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं, उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि आपकी जो मासिक मूल वेतन वर्तमान में 15,000 रुपए उससे बढ़ा करके, यानी कि 25,000 रुपए प्रतिमा भी करने को लेकर मांग हुई है, उस पर विचार विमर्श भी किया गया है। आपको बताते थे, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई। उद्योगों के अनुमान के अनुसार पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी जो ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में आ सकते हैं, वो भी इसका लाभ पा सकते हैं। यानी कि अगर आप पेंशन धारक के, ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप ऐसे ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी नई नई जानकारी और आपको देखने को इसी चैनल पर सटीक जानकारी साथ में मिलती रहे।